हेलो गाइस, यू आर वाचिंग दुबई 099 द शेख हमदान एंड शेख रसीद अल मक्तूम चैनल। टुडे आई विल शो यू द इंटरव्यू इन एन इंटरव्यू विद CNN UAE वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एंड रूलर ऑफ दुबई हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम स्टेट दैट द UAE इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग Despite the effort of global financial crisis, underscoring the local economy ability to overcome all challenges arising as a result of the worldwide recession, Sheikh Mohammed revealed Emirates Airlines decision to purchase new aircraft next month. Now available in Hindi. UAE के उपराष्ट्रपति ने CNN के साथ एक साक्षात्कार में कहा, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम जोर देकर कहा कि UAE की अर्थव्यवस्था मजबूत है। वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव के बावजूद स्थानीय अर्थव्यवस्था की क्षमता को रेखांकित करना परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सभी चुनौतियों पर काबू पाए। देश भर में मंदी शेख मोहम्मद एमिरेट्स एयरलाइन के खरीदने से पहले खुलासा किया, अगले ही महीने नए विमान आएंगे। साथ ही साथ ये सब वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं, लेकिन फैंस जो चाहते थे कि वीडियोस जारी हो, इसलिए वीडियोस जारी हुई हैं। तो आप लोगों को शेख मोहम्मद शेख रसीद अल मक्तूम का चैनल पसंद है या नहीं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, जिससे हम लोग आप लोगों को दुबई विज़िट करवा सकें, और जो हमारे चैनल के फैंस हैं उनको दुबई विजिट करवा के उनको ट्रिप का मौका दिया जाना चाहिए। तो हमने एक सीरीज शुरू की है कि शेख हमदान और शेख रसीद अल मक्तूम की जो पुरानी वीडियोस हैं 2001 की, 2002, 2003, 2005 की, उसको दोबारा से दिखाया जा सके। साथ ही साथ जितने भी इंटरव्यूज हैं, जब दुबई में कुछ नहीं था, दुबई बनाया जा रहा था, तब के वीडियोज हैं। तो इस वीडियोस को फैंस की काफ़ी ज़्यादा मांग थी, इसलिए दुबई मीडिया ऑफिस की तरफ से ये वीडियो जारी किया जाएगा और आप लोगों को दिखाया जाएगा। और वीडियो कई सारी लैंग्वेज में अवेलेबल है, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, हिंदी और तमाम लैंग्वेज में। इससे पहले अरेबिक और इंग्लिश में आता था, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर अब सारे चैनलों को बनाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। वैसे भी शेख हमदान का चैनल पूरी दुनिया में काफ़ी अच्छे से चलता है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं शेख हमदान, और कभी कभी चैनल पे भी आते हैं। उसके अलावा ये देखिए CNN की रिपोर्ट में, जब दुबई की बुर्ज खलीफा बन रहा था, ये तब का वीडियो है, रेयर फुटेज आप देख सकते हैं वहाँ की है। तो शेख रसीद अल मक्तूम ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, उसके अलावा उसको बनाने में, दुबई को बढ़ाने में। देखिए आप देख सकते हैं, तब सिर्फ समुंदर था, पाम जो मेरा तब नहीं था। उसके अलावा यहाँ की आप घर देख सकते हैं। तो इस समय पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड सेंटर सिर्फ दुबई में है, और साथ ही साथ दुबई से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इंडियन जितने भी इंडियन बिजनेसमैन हैं, ज़्यादातर उनकी पहली पसंद है, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से, उनकी पहली पसंद दुबई में ही है। और साथ ही साथ दुबई टैक्स फ्री है बिजनेस करने के लिए, इस वजह से लोग वहाँ ज़्यादातर शिफ्ट होते हैं, और पूरी दुनिया के लोग दुबई आना चाहते हैं। तो आप लोग दुबई विज़िट किए हैं कि नहीं किए हैं, शेख हमदान से कभी मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ये चीज़ें कमेंट्स करके बताइए। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करिए। आप लोग इंडिया के किस शहर से हैं, पाकिस्तान के किस शहर से हैं, बांग्लादेश के, या दुनिया के किस शहर से हैं, आप लोग कॉमेंट्स करिए और आप लोग बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू। शब्बा खैर।